दोस्तों भारत की इतनी कोशिशों के बावजूद भी यूएनएससी में भारत को परमानेंट सीट नहीं मिल पा रही है, जिसके बाद भारत अब गुस्से में आ चुका है। भारत ने सीधे तौर पर यूएनएससी को छोड़ने की धमकी दे डाली है। ऐसे में अब हो सकता है कि भारत बाकी देशों के साथ मिलकर एक अपना अलग संगठन बना दे। अगर ऐसा हो जाता है तो यह यूएनएससी और पांचों परमानेंट मेंबर के लिए काफी बड़ी चुनौती होगी। क्या है पूरी खबर और आखिर क्या कुछ हुआ है, इस बारे में अब हम आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों एक लेटेस्ट रिपोर्ट से यह पता चला है कि संयुक्त राष्ट्र में मौजूद भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने हाल ही में एक इंसिडेंट पर बात करते हुए बड़ा बयान दिया। दरअसल इंसिडेंट यह था कि यूएनएससी में होने वाले बदलाव की बात को 25वीं बार अगले सत्र के लिए टाल दिया गया। मतलब अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव को लेकर होने वाली बातचीत अगले साल होगी, जिसको लेकर भारत बिल्कुल भी खुश नहीं है। और यहां इस बात से भारत ही नहीं बल्कि जापान, जर्मनी, ब्राजील, साउथ अमेरिका और कई अफ्रीकी देश इस घटना को लेकर काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा 25वीं बार हुआ जब यूएनएससी में बदलाव को लेकर होने वाली बातचीत को टाल दिया गया। जिस पर बात करते हुए रुचिरा कंबोज ने यह बात सीधे तौर पर कह दी कि यूएनएससी में बिना बदलाव के बातचीत अगले 75 सालों तक जारी रह सकती है, क्योंकि हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे कोई भी स्थायी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा है और इसको लेकर होने वाली बातचीत प्रगति की दिशा में बिल्कुल नहीं बढ़ रही। ऐसे में भारत ने अब इस बात के संकेत साफ तौर पर देने शुरू कर दिए कि अगर यही हाल रहा तो हम अपने कहे अनुसार संयुक्त राष्ट्र का बहिष्कार करते हुए इस संगठन से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों हम ये बात कई बार सुन चुके हैं कि कभी अमेरिका तो कभी ब्रिटेन की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में बदलाव का पूरा समर्थन किया जाता है और भारत को आश्वासन मिलता है कि वह इस संगठन में बदलाव के लिए सबसे आगे खड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही बातचीत शुरू होती है और बात वीटो तक पहुंचती है तो सभी देश तुरंत पलट जाते हैं, क्योंकि कोई भी स्थायी सदस्य देश अपनी पावर को बांटना नहीं चाहता, जिस वजह से हम देख सकते हैं कि कैसे भारत अब संयुक्त राष्ट्र को सीधी चेतावनी देने पर उतर चुका है कि या तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव किया जाए या फिर हम इस संगठन से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके तहत पीस कीपिंग और WHO जैसे कई महत्वपूर्ण मिशन काम करते हैं, जिन्होंने ग्राउंड लेवल तक काफी बड़े बदलाव लाकर दिखाए हैं। ऐसे में कोई नहीं कह सकता कि यूनाइटेड नेशन की वजह से दुनिया में बड़ा फायदा नहीं हुआ, पर इसकी टॉप लीडरशिप मतलब यूएनएससी में चल रहे सिस्टम से कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि इसका सिस्टम ना सिर्फ काफी पुराना है बल्कि कई मायनों में भेदभाव करने वाला भी है। अगर इससे निपटने के लिए भारत एक नया संगठन बनाने की पहल भी करता है तो भारत को दुनिया के अधिकतर देशों का समर्थन मिलेगा, जिनमें जापान, जर्मनी और कई अफ्रीकन देश शामिल होंगे। अगर ऐसा हो गया तो यूनाइटेड नेशन का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा, लेकिन शायद जो नया संगठन बने उसमें UN पीस कीपिंग और WHO जैसे मिशन की नकल करके उसे हूबहू शुरू किया जाए, ताकि दुनिया भर में चल रहे ये महत्वपूर्ण मिशन चलते रहे। वहीं इस पर बड़े कदम के प्रभाव की बात की जाए तो सबसे बड़ा असर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन पर दिखेगा, क्योंकि यह देश कई दशकों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर लेकर बैठे थे। वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, जिसके बाद कई दूसरे देश भी इन पर निर्भर रहना छोड़ देंगे। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों भारत और तुर्की के बीच एक ऐसी डील पर सहमति बनी है जिससे पाकिस्तान को करारा तमाचा लगेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान जो समझता था कि तुर्की उसका जिगरी दोस्त है और भारत के खिलाफ अगर पाकिस्तान कोई साजिश रचेगा तो तुर्की उसका साथ देगा, यह पाकिस्तान सोचता था, लेकिन अब यह गलत हो गया है और एक ऐसी डील पर साइन हुआ है भारत और तुर्की के बीच जिसकी चर्चा अब हर
भारत विरोधी मुस्लिम देश में हो रही है, क्योंकि टर्की एक मुस्लिम राष्ट्र है और भारत के लिए उसने जो कदम उठाया है वह कदम या तो आप ये बोल सकते हैं कि भारत ने जो भूकंप में टर्की की मदद की थी इसलिए है, या फिर अमेरिका के कहने पर उठाया हो, लेकिन अब भारत के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है तुर्की के द्वारा। आपको बता दें कि जो डील हुई है भारत और तुर्की के बीच, वह डील यह है कि अब भारतीय विमान को तुर्की का जो एयरपोर्ट डिपार्टमेंट है वह भारतीय विमान को लैंड करने देगा अमेरिका जाने के रास्ते में, जिससे यानी कि भारत और अमेरिका के बीच फ्यूल यानी कि पेट्रोल जितना ज्यादा खर्चा होता था अब वह पेट्रोल में लगभग 30% की कटौती होगी, जिससे हर नागरिक जो अमेरिका जाता है उसके जाने में कम खर्चा लगेगा क्योंकि फ्लाइट की टिकट का दाम भी कम लगेगा। तो तुर्की की इस बड़ी डील के लिए आप जरूर लाइक्स देना। और पाकिस्तान यह समझता था कि तुर्की जो हमेशा भारत के खिलाफ बोलेगा, और जी हाँ, तुर्की हमेशा भारत के खिलाफ बोला भी है। जब भी यूनाइटेड नेशन में समर्थन देने की बात आई हो तो तुर्की ने पाकिस्तान की बात मानकर भारत को वोटिंग नहीं दी, जिसका भारत ने अभी भी उसका बदला नहीं लिया। लेकिन तुर्की में जब भूकंप आया था तब भारत ने किस तरह से मदद की थी, किस तरह से इंडियन आर्मी वहां पर गई थी, वह सब आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन इस बार तुर्की ने भारत के लिए जो किया है दोस्तों, उससे भारतीय नागरिकों को कितना लाभ होगा जो खासकर अमेरिका जाते हैं। अब भारत का जो भी विमान अमेरिका जाएगा वह तुर्की से होकर जाएगा और तुर्की में लैंड भी करेगा, जो अभी तक नहीं था। अभी तक ऐसे रूट से जाते थे जिससे फ्यूल का खर्चा काफी ज्यादा आता था, और यात्रियों का किराया अमेरिका जाने पर कितना ज्यादा होता है यह आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन अब यह इस किराए को कम करने वाला तुर्की ही है। अब इस पर पाकिस्तान का क्या बयान आने वाला है वह तो हम आपको बताएंगे जब पाकिस्तान इस पर बयान देगा उसके बाद। इसके अलावा आपको एक और खबर बताते हैं। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताकतवर देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी कोई बड़ा देश कमजोर होता है तो उसकी कमजोरी का फायदा पूरी दुनिया उठाना चाहती है। भारत का कश्मीर आज भी एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत को कमजोर कर रहा है, लेकिन अब इस एरिया को सबसे मजबूत करने की शुरुआत हो चुकी है। जयशंकर ने कहा कि कश्मीर में आर्टिकल 370 ही वह खिड़की थी जिसे पूरी दुनिया भारत के अंदर झांक कर मजे लेती थी। जर्मनी का कश्मीर से क्या लेना देना था, लेकिन जर्मनी की विदेश मंत्री ने एक बार अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से वह कश्मीर मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में उठाएगी। वहीं विदेश मंत्री ने कहा कि जब हमने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाकर दुनिया की खिड़की को बंद किया तो ऐसे में कई देशों को जबरदस्त मिर्ची लगी, लेकिन तब भी कश्मीर को लेकर भारत की मुश्किलें कम नहीं हुई। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने कश्मीर के अंदर इसलिए G20 की बैठक करवाई थी ताकि दुनिया के देश आए और कश्मीर को नजदीक से देखने की कोशिश करें, लेकिन तुर्की और सऊदी जैसे देश देखना नहीं चाहते कि ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर